पर 0-0 ढाई सौ तेईस ऐसा 223 पेटी के अंदर मतदान केंद्र के अंदर सबसे मारे दो सर्च करने के लिए करके हम उनसे जादू आई एक नंबर के बोले अच्छी बात है एक दो नंबर पर 223 तक का हम उनकी जादू आए कहाँ का एड्रेस ही नहीं पता ही नहीं अभी कौन है क्या कोई पहचान नहीं है क्योंकि मेन मसलों के लिए 25,243 वोट का हमने ये सादर कर लिए बंद और 500 वोट जो डबल डबल वोट है वो सादर कर दिए जो निर्णय आज इस बात ठीक है सर निर्णय अधिकारी प्रांत ऑफिसर को मैंने आज 10वां निवेदन 10 मेमोरेंडम हमने आज तक दे चुके हैं और आज 10वां निवेदन हम लोग देने के लिए आए हुए आप लोगों को पता है कि मालेगांव शहर में डबल वोट किसी की 3 वोट किसी की 4 वोट इस तरीके की एक मुहिम हम लोगों ने शुरू की पकड़ने की मुहिम वोट पकड़ी जाए डबल टिबल और उसी के साथ साथ आज तक हम लोगों ने 2500 डबल वोट टिबल वोट और 54 वोट हमने दाखिल कर चुका है हम लोगों ने दाखिल की है जो डबल वोट हमारे सामने 2500 आई है और बड़े ताज्जुब की बात है कि जो मालेगांव 114 विधानसभा की जो वोटर यादी है उस वोटर यादी में पिछले हफ्ते 8,000 वोट जिसमें फ़ोटो ही नहीं है उसमें एड्रेस नहीं था उसमें आईडी नंबर नहीं था ऐसे 8,000 हम लोगों ने सबूत यादी में से निकाल कर प्रांत ऑफिसर को सौंपा और आज हम लोगों ने ऐसी यादी 25,242 वोटर इस तरीके के हम लोगों ने उसके अंदर से निकाला है निशानदेही की है जिसमें सिरे से एड्रेस ही नहीं है वोटर के सामने कॉलम में 25,242 ऐसे वोटर है जिनका पता ही नहीं है यादी के अंदर नाम है लेकिन पता नहीं है पता जहां कॉलम के अंदर मुकम्मल पता होना चाहिए वहां पर 00 लगा दिया गया है एक प्री प्लानिंग के तहत ऑनलाइन सिस्टम जब से शुरू हुआ है मालेगांव शहर के अंदर एक प्री प्लानिंग के तहत कुछ लोगों ने सियासी पार्टियों ने डुप्लीकेट वोट बोगस वोट दाखिल करने का काम किया इस तरीके से आज तक अगर आप देखेंगे तो हम लोग 35,000 के आसपास वोट जो हमको शक है कि वो वोट डुप्लीकेट है गलत तरीके से बढ़ाई गई है आज तक हम लोगों ने 35,000 के आसपास वोट प्रांत ऑफिसर को दिया है और हमारी डिमांड है कि उसके ऊपर इंक्वायरी करें अगर वो गलत है तो उसको डिलीट किया जाए और अगर वो सही जाकर अगर फील्ड के ऊपर जाकर मोहल्ले के अंदर जाकर अगर वो व्यक्ति मिल जाता है तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन उस पर नहीं है हमने पहले भी नारा दिया आज दोबारा हम लोग यही बात बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति एक वोट ये हमारी नारा है और इसके तहत हमारी ये कार्रवाई अभी जारी है और मैं ये बात फिर वापस वाजे कर दूँ कि मालेगांव शहर के अंदर हम लोग पक्षपात नहीं कर रहे हैं कोई पार्टीबाजी नहीं करना चाहते अगर कांग्रेस के लोगों की भी वोट नज़र आ रही है वो भी हम शामिल करके यहाँ पर दे रहे हैं और अगर किसी दूसरी पार्टी को अगर कांग्रेस के लोगों पर ऑब्जेक्शन है तो वो भी निकाल कर यहाँ पर सादर करे हम लोग किसी भी पार्टी के मानने वाले वोटर हो सभी लोग दो वोट तीन वोट ना रखे डुप्लीकेट वोट ना रखे बोगस वोट ना रखे यही हमारा उद्देश्य है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मालेगांव शहर की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि कुछ सियासी लोगों ने आपका इस्तेमाल किया जन्म दाखिला बनाने के नाम पर दाखिला मंगाया गया राशन कार्ड बनाने के नाम पर मंगाया गया आधार कार्ड के नाम पर पुरावे मांगे गए दाखिला मांगा गया वोट बढ़ाने के नाम पर और वो उन्होंने डॉक्यूमेंट रख लिया और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो फिर वही डॉक्यूमेंट के ऊपर अलग अलग एड्रेस नाम चेंज करके आवाम को धोखा दिया गया है
मैं शहर के आवाम से यही कहूँगा कि आपकी एक वोट अगर एक घर पर है तो आप रखिए, दूसरी तरफ वो डिलीट कर लीजिए। क्योंकि हम लोग की ये कार्रवाई सिर्फ यहाँ पर जब हमारा मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल यदि हमारा दो हफ्ते तक इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि यहाँ पे दाखिल कर ले, और उसके बाद तो हमको हाईकोर्ट जाना ही है। और प्रांत ऑफिसर हम लोग को ये दिख रहा है कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो तेज़ी से कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रांत ऑफिसर के ऊपर सियासी दबाव है, इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर अब वक्त आ रहा है कि हम लोग रास्ते के ऊपर भी उतरेंगे, धरना आंदोलन भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर मोर्चा भी निकालेंगे। और अगर प्रांत ऑफिसर के लोग, इलेक्शन ब्रांच के लोग इसके अंदर मुलविस है तो इनके ऊपर भी कार्रवाई हो, BLO अगर मुलविस है उन पर भी कार्रवाई हो, यही हमारी डिमांड है। एक व्यक्ति एक वोट।